हाँ दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो कुकिंग विद निशा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए फिर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। गाजर का हलवा सर्दियों में लोगों को बहुत ही पसंद आता है। मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए आधा के जी गाजर को मैं कद्दूकस कर ली हूँ, आधा के जी दूध है, चीनी है एक बॉल, काजू है, किशमिश है, इलायची है, तेजपत्ता है और बादाम है। चलिए फिर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। देखिए तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट को भून लेती हूँ। ये काजू है, गैस का फ्लेम लो है, इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ। काजू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसमें एक चम्मच घी डालूंगी। गैस का फ्लेम बढ़ा दूंगी। कढ़ाई गर्म हो गए हैं, मैं इसमें दो तेज पत्ता डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। मैं गाजर डाल देती हूँ। इसे मैं 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए ये गाजर हमारा भून के रेडी है, इससे ऑयल आ रहे हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। चीनी एक बॉल डालूंगी। मैं 1/2 लीटर इसमें दूध डालूंगी। गैस का फ्लेम बढ़ा देती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट छोड़ देती हूँ। हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी है। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालूंगी। मैं ये बादाम डाल देती हूँ बारीक कटी हुई। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी है।
और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में नोटिफिकेशन पाने के।